नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सम स्पेशल थ्योरम्स जो हमारी यूज की जाती हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के डिफरेंट सिचुएशंस के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों हमारी आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस नाम से पता लग रहा है दो एक्सिस आपस में पैरेलल होंगे, पहले आप समझ लीजिए। ये थ्योरम हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। ये थ्योरम आप देख सकते हैं 2D और 3D दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। मतलब अगर आपका कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है जैसे कि आपका डिस्क हो गया, रिंग हो गया, उस पर भी लागू है। और अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है जैसे कि सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो कोन हो गया आपका, तो कोई 3D में भी अगर ऑब्जेक्ट है मतलब ये थ्योरम तब भी लग जाएगी। तो ये थ्योरम हर तरह के ऑब्जेक्ट पे लगती है 2D और 3D पे। इसमें बस कंडीशन ये है कि एक एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, और जब बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पाने वाले एक्सिस के अबव बॉडी रोटेट करे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है आई नॉट। तो एक और एक्सिस जो इस एक्सिस के पैरेलल हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों होता है हमारा आई, तो आई की जो वैल्यू होती है मेरे बच्चों वो होती है आई नॉट प्लस बच्चों एम इनटू डी स्क्वायर। तो इसमें कंडीशन सिर्फ बच्चों हमारी आई नॉट पे, ठीक है ना, बॉडी पे कोई कंडीशन नहीं है, बॉडी 2D 3D कोई भी हो चलेगी, लेकिन एक्सिस जो होना चाहिए आई नॉट वाला वो होना चाहिए जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होता हो। तो मैं यहां पे आपके सामने इसे बता भी देता हूं, आई नॉट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। तो ये हमारा वो एक्सिस है जिस जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और उस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी का है बच्चों वो हमारा आई नॉट। ये बॉडी एक स्टैंडर्ड सी थ्योरम है।